दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ JBT प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, या तो आप जैसे हमको सरकारी रिजल्ट अच्छा लगता है इसको ऑनलाइन करते हैं, तो यहाँ से आपको देखिएगा छत्तीसगढ़ JBT टीचर ऑनलाइन फॉर्म, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका इस प्रकार का होम पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि आपका लास्ट डेट है 31/8/2023 को। ये OBC EWS के लिए 1000 और SC के लिए 500 रुपया फी लगा गया, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आपका जो है ई चालान के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उम्र सीमा दिया गया 21 से 37 साल के लिए, ठीक है। जूनियर बेसिस टीचर प्राइमरी टीचर 297 पोस्ट है, इसका जो डिग्री होना चाहिए बैचलर डिग्री यानी स्टीम विथ DLED सीटेट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको ऑनलाइन करना है और यहाँ पे दिया गया है पोस्ट के लिए दिया गया जनरल के लिए 149 और OBC के लिए 56 और SC के लिए 59 और EWS के लिए 29, टोटल 293 सीट के लिए दिया गया है। थोड़ा सा क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ क्लिक हेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि आपका ऑनलाइन फॉर्म कब निकला है, लास्ट डेट क्या है, अगर आप पेमेंट कब करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फीस क्या है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर और सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। OTP आने के बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आधार नंबर डाल के आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो ये करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद जो अगला आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा, तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक हो जाएंगे। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से कर लीजिएगा पासवर्ड चेंज, और आपका जो है आईडी और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। तो आपको अगर चेंज करना है पासवर्ड तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे पुनः आपका एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर पोस्ट के लिए आ जाएगा जूनियर बेसिस टीचर, जिसको हम लोग शॉर्ट में JBT बोलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, उसके बाद प्रोसेस टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपको पोस्ट दिख जाएगा। उसके बाद आप किस जेंडर में आते हैं वो जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा। वो करने के बाद आपका फादर नेम, मदर नेम, मैरिड अनमैरिड, उसके बाद यहाँ से आपको उम्र दिख जाएगा, उसके बाद आपका आधार नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा। पूरा डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करना है, उसके बाद अगर विकलांग है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। वो करने के बाद अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस कीजिए, अन्यथा नो पे कर दीजिएगा। ये कर उसके बाद आपको यहाँ से अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, अगर कहीं आप छत्तीसगढ़ के आप कहीं टीचर में अगर पोस्ट में हैं या जो भी हैं वो आपको देख के मेरे अनुसार ये नौ पे हैं। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नौ पे आपको क्लिक कर देना है। वो करने के बाद प्रोसेस टू नेक्स्ट एड्रेस डिटेल पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगला पेज पे जाते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा, पूरा डिटेल एट पोस्ट जो भी है वो लिख दीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा। पिन कोड लिखने के बाद आपका अगर प्रेजेंट परमानेंट सेम एड्रेस है तो आप सेम पे क्लिक करके आपको सेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको प्रोसेस टू विथ क्या है एजुकेशन डिटेल, तो आपको फिर पुनः आपको नेक्स्ट पेज में एजुकेशन डिटेल वाले पेज में मिल जाएगा, जो आपका पढ़ाई के रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशन के अनुसार जो डिग्रियां दिया गया वो आपको डिग्री को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और उसको फिलअप करके आगे बढ़ना है। चलिए हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं और प्रोसेस टू एजुकेशन डिटेल को पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम एजुकेशन डिटेल पे नेक्स्ट करेंगे हमको यहाँ सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। जैसे हम क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो जैसे यहाँ क्वालिफिकेशन क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में ऐड क्वालिफिकेशन होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐड होने के लिए दे दिया जाएगा।
तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है, उसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क कितना था और कितना में कितना लाए, और परसेंटेज सीजीपीए जो भी है उसको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद किस सब्जेक्ट की एमओ लिखना है, यूनिवर्सिटी क्या लिखना है, उसके बाद रेगुलर या प्राइवेट जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आपको भर के आपको प्रोसेस टू आईसीटी डिटेल पे आपको क्लिक करना है, तो फिर आपका नया पेज एक खुल जाएगा, या नहीं तो आप सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका अगला पेज खुलेगा। तो चलिए हम इसको डिटेल के भर के हम प्रोसेस टू फिल आईसीटी डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो डिटेल के लिखने के बाद आपको सेव क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ से मॉडिफाई करना है, अगर गलती हो गया तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, या नहीं तो फिर प्रोसेस टू फिल आईसीटी डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, या नहीं तो फिर एड न्यू क्वालिफिकेशन पे आप भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रोसेस टू फिल आईसीटी डिटेल, आईसीटी डिटेल में क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो देखिए आईसीटी डिटेल मतलब आपको जो है आईसीटी स्किल कोर्स, जैसे आईसीटी स्किल कोर्स में नोटिफिकेशन में दिया होगा, या तो आपको सीसी का जो सर्टिफिकेट होता है 3 मंथ का वो होना चाहिए, जो नाइलेट के से द्वारा जो प्राप्त होता है ये कोर्स होना चाहिए, एक दो कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आईसीटी स्किल कोर्स, सीसी सर्टिफिकेट का जो 80 आवर्स का जो होता है वो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कोर्स को डालते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, पास कब किए हैं, मार्क्स क्या है वो डिटेल करके प्रोसेस विद डॉक्यूमेंट अपलोड पे हम क्लिक करेंगे, तो थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने ग्रेजुएशन का डाला, उसके बाद हम बीएड का डालेंगे, फिर सी टेट पेपर 1, तो सभी को बारीकी से एक एक करके ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसेस पे आगे पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आईसीटी डिटेल सबसे लास्ट में डालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जो है बीएड का डालेंगे, जब बीएड डाल दीजिएगा फिर सेव कीजिएगा, सेव करने के बाद फिर आपको सी टेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, फिर सी टेट क्वालिफाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस टू आईसीटी डिटेल सभी को बारीकी से डालना है। चलिए हम एक एक करके सभी डालते हैं। सबसे पहले पुनः आपका पासिंग ईयर क्या है, पास कब किया था, परसेंटेज क्या था, सब्जेक्ट क्या था, सभी को लिख के उसके बाद आप आगे पे क्लिक करना है। इसे आप डिटेल को भर लेते हैं, फिर आप यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा यहाँ डिटेल जो है ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद फिर आप ऐड ए न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पूरा सी टेट पेपर 1 पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आप कब पास किए थे वो डिटेल, पुनः वही चीज, पास कब किए थे, टोटल कितना पूछा गया था, कितना लाए, परसेंटेज क्या था, सब्जेक्ट क्या था, यूनिवर्सिटी क्या था, वो सभी को डालने के बाद फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे। डालने के बाद फिर आईसीटी कोर्स को कंप्लीट करना है, फिर पूरा आईसीटी कोर्स को क्लिक करके ऐड करने के बाद हम प्रोसेस विद डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे और अगला जो पेज है अगला नेक्स्ट पेज पे चल जाएंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, सभी को बारीकी से अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है कि कितना और कितना के बीच के होना चाहिए, यहाँ पे सभी इमेज का, और सब 6 मंथ से ज़्यादा फोटो नहीं होना चाहिए, अब बैकग्राउंड वाइट में होना चाहिए, चाहे आप सिग्नेचर करें चाहे आप थंब लगाएं, तो बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ बारीकी से अपलोड करने का प्रोसेस टू सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे और अगला पेज पे चले जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत बताता है तो यहाँ गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग, अगर अपलोडिंग में कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, कैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, थंब कैसे कैसे लेना है उसको, यहाँ पे साइज दे दिया है कैसे कैसे आपको अपलोड करना है, कितने बाय कितने में, देखिए ये जो है 3.5 ये होना चाहिए, ये सभी का साइज दे दिया है, सिग्नेचर का भी साइज, तो बारीकी से देख लीजिएगा। और कैसे जो हम एमबीए को कम और नीचे करते हैं वो हम एक वीडियो में बताए थे कि कैसे आपको साइज को छोटा बड़ा करना है, तो वैसे करके आपको सभी को अपलोड करना है साइज पे करके। चलिए हम अपलोड करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, सभी अपलोड करके उसके बाद प्रोसेस टू प्रीव्यू करना है, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा, पेमेंट करना ना है, जो चाहे फोन पे हो नेट बैंकिंग हो, पेमेंट करने के बाद जो है आपका फॉर्म भर के कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।